नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर शहर को मिनी मुंबई के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई शहर कभी सोता नहीं है। उसी तर्ज पर इंदौर में भी प्रशासन ने BRTS के दोनों ओर 24 घंटे इंदौर खुले रहने की कवायद शुरू की थी, जिसके परिणाम अच्छे मिल रहे हैं। जहां इंदौर शहर के कुछ हिस्सों को 24 घंटे खुला रखा जा रहा है, इसी बात को लेकर इंदौर के सरवटे व्यापारी एसोसिएशन मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर मांग की है कि शहर का व्यस्तम इलाका सरवटे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन को 24 घंटे खुले रखने की मांग की है। व्यापारी एसोसिएशन का मानना है कि देर रात पहुंचने वाले यात्रियों को खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जहां एक तरफ पुलिस द्वारा रात को 11:30 बजे ये इलाके बंद करा दिए जाते हैं, जिसके चलते यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। व्यापारी एसोसिएशन ने मांग की है कि इन इलाकों को 24 घंटे रखा जाए, जिससे बाहर से आने वाले यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी। कोरोना काल के पहले पूर्व में भी अब दुकानें सरवटे बस स्टैंड की चालू रहती थी, जो कि बस स्टैंड टूटने के बाद कोरोना काल और उसमें जो पुलिस द्वारा जो बंद कराया जा रहा है, उसके पूर्व भी मतलब अपने 5 साल अपने को जो चालू रहा बस स्टैंड, एक झगड़ा भी नहीं हुआ, एक कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे सर। उसके बाद ये सख्ती क्यों दिखाई जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या मांग करी है आपने मुख्यमंत्री? हमने मुख्यमंत्री जी से यही कहा है कि हमारा भी ये 24 घंटे वाला ऑप्शन जो है दुकानें चालू करने का, उसको विधिवत चालू किया जाए। जिस प्रकार BRTS आपने चालू किया है, यहाँ तो सरवटे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पास में है, और यात्री लोग रात भर आते जाते रहते हैं, बेचारे भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहते हैं, मगर पुलिस की सख्ती के बावजूद वो यहाँ रुकते नहीं हैं। अब बेचारे भूखे प्यासे ही चले जाते हैं। तो हमारा नर्म निवेदन है CM साहब, इंदौर कलेक्टर, IG साहब से कि इसके ऊपर पुनर्विचार कर इसको भी 24 घंटे ओपन किया जाए। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम सुधीर शर्मा, गुरुगरबा टी स्टॉल के नाम से मेरी शॉप है, गुरुगरबा होटल के पास में। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और